दुखम, अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। इस धारावाहिक अंक में आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, हम आपसे अपने पिछले अंकों से लगातार इस बात की चर्चा करते आ रहे हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर आध्यात्म साधना केंद्र स्थापित है। आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, नहीं ना? शरीर के ऐसे कई छोटे छोटे अंग हैं जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। इन छोटी छोटी क्रियाओं से हम शरीर के प्रत्येक अंग को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं, उसके गुण सिखाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि आपने कभी सिर के बालों के लिए कोई एक्सरसाइज की है, नाक के लिए कोई एक्सरसाइज की है, अपने कानों के लिए कोई एक्सरसाइज की है? उदाहरण के तौर पर, आप अगर अपने गर्दन के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको सर्वाइकल की समस्या जीवन भर नहीं होगी। जो मरीज हैं 60-70 साल के हैं, कई लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे क्योंकि कहीं की नीज में ख़राबी है, जोड़ों कहीं की नी रिप्लेसमेंट थी। स्वामी ने कहा कि आधी एक्सरसाइज जो श्वासवर्धक क्रियाएँ हैं वो खड़े खड़े आधी तो हो जाती थी, तो मरीज़ को बहुत अच्छा लगता था कि मैं तो कर सकता हूँ। फिर जो जमीन पे नहीं बैठ सकते थे उनको कुर्सी पे बिठा के करें। आध्यात्म साधना केंद्र में इसे हेल्थ रिजुविनेटिंग एक्सरसाइज यानी स्वास्थ्य वर्धक शारीरिक क्रियाएं कहा जाता है। यहाँ पर सिर से पैर की उंगलियों तक प्रत्येक अंग को क्रिया कराई जाती है, उनका प्रयोग करने की विधि सिखाई जाती है। धीमे 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 ऊपर उठाएं, आंखें बंद रखें, हाथ ऊपर उठ रहे हैं, हथेली में, कलाई में, कोहनी में, बाजू में, कंधे में तनाव हो रहा है उसका अनुभव करें। पूरा हाथ जैसे ही कान के पास पहुँचे दोनों एड़ियों को ऊंचा उठाएं और पूरे शरीर को खींचे ऊपर में, पांव के अंगूठे से लेकर हाथ की उंगलियों तक तो पूरे शरीर की मांसपेशियां खींच रही हैं, इसका अनुभव करें। धीमे से एड़ी जमीन पर रखें, आस्ते आस्ते हाथ को नीचे ले आएं। नीचे आते वक्त तनाव मुक्तता का अनुभव करें, हाथ नीचे आए खोलकर पूरी शिथिलता का अनुभव करें। हमने पहले आसन प्राणायाम जोड़ा तो कुछ आदमी बोले जी हमने तो कभी जिंदगी में आसन किया नहीं, 60-70 वर्ष की उम्र में अब आसन कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। इससे नेगेटिव विचार आने लगे तो फिर हमने यहाँ स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएँ बोल करके कुछ क्रियाओं को जोड़ा ताकि व्यक्ति अपने शरीर को हलचल पैदा कर सके, उतना समय उसमें कुछ एक्सरसाइज में लगा सके। तो हमने ये नया प्रोग्राम चालू किया, हेल्थ रिजनरेटिंग एक्सरसाइज। मेरे आवाज़ में तुतलार थी, आवाज़ साफ नहीं थी बिल्कुल, और बल्कि यहाँ तक था कोई मेरा नाम भी पूछता था तो मैं अपना नाम भी नहीं बोल पाता था, अब मैं रुक ही जाता था और कोई टीचर कहे एक पेज सुना दो पढ़ के क्लास के अंदर, मैं नहीं सुना पाता था। आज इतनी साधना केंद्र की ही कृपा है, मेहरबानी है, इनका मेरी भारी देन है कि मेरी आवाज़ बहुत साफ़ है। अब मैं जब इस तरह अब बोल रहा हूँ, इससे तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाता था पहले, सेंटेंस तो क्या, अब तो यहाँ तक हो गया है जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो माइक वगैरह को मैं उठा के अंदर रख देता हूँ कि मैंने अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। 7 6 5 4 ये हृदय रोगियों को गर्दन से लेकर के कमर तक ये मुख्य भाग है शरीर का जिसके अंदर में ज़्यादातर रोग पैदा होते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए ये हमने किया यहाँ पर। 2 तो एक्टिविटी करने से ही हृदय को शक्ति मिलती है, तो हृदय के अंदर में भी एक्टिविटी करने से कुछ उसमें उसकी हलचल बढ़ी, तो ये एक लाभ मिला कि इस तरह से जो अस्तु प्रेक्षा ध्यान की प्रैक्टिकल विधि की ओर लौटते हैं जिसमें से सर्वप्रथम है महाप्राण ध्वनि। चेतना, मन और शरीर के स्पंदन और कंपन के पश्चात
प्रेक्षा ध्यान में लीन होने का संकल्प। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। चेतना, मन तथा शरीर को संकल्प बद्ध करने के पश्चात कायोत्सर्ग की क्रिया। कायोत्सर्ग के दो पक्ष हैं, शारीरिक, शरीर की शिथिलता, शिथिलता से स्थिरता, स्थिरता से सहनशीलता का विकास। दूसरी ओर अपने चैतन्य का बोध, मैं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से भिन्न चेतन सत्ता हूँ। अंतर यात्रा के दौरान चित्त द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन का अनुभव करते हुए दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति के अंदर रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर दोनों नितंब के बीच में गुदा के पास लाएं, मूल बंद लगाएं, गुदा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, रोक कर रखें, धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालें, चित्त भी सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठता जाए। अंतर यात्रा के दौरान चित्त द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन का अनुभव करते हुए शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक की यात्रा। चंचल मन श्वास क्रिया में लीन हो गया। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। आंखें कोमलता से बंद, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे निश्वास हो, श्वास अंदर नाभि बाहर, श्वास बाहर नाभि भीतर। लंबे लंबे सांसों की क्रिया में शरीर के श्वास प्रक्रिया में प्रत्येक अंग संलग्न, यानी फेफड़े, तलपट, डायफ्राम और नाभि की प्रेक्षा। तत्पश्चात समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा में हम धीरे धीरे जब दीर्घ श्वास प्रेक्षा अभ्यास करते करते फिर समवृत्ति श्वास प्रेक्षा में आ जाते हैं। योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है, उसमें बाएं नसने से श्वास लेकर दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेकर के बाएं में छोड़ते हैं। तो ध्यान में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मानसिक बल से ही ध्यान में दाएं से श्वास, बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। नियमित श्वास मन और शरीर में चित्त के द्वारा ज्योति केंद्र में प्रवेश। अनुभव कर रहे हैं मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत शिथिल हो गया है, मानसिक तनाव से मैं अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा हूँ, मेरा भावनात्मक तनाव भी दूर हो गया है, हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है, शारीरिक तनाव दूर होने से शक्ति स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है। ज्योति केंद्र में सुखद अनुभूति से अगला चरण है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा अनुप्रेक्षा दोनों प्रयोग चलते हैं। अनुप्रेक्षाओं में हम तीन प्रकार का प्रयोग करते हैं। एक तो जो सत्य है उसकी पुष्टि करते हैं, जैसे अनित्य अनुप्रेक्षा है, इसमें जो भी दृश्यमान जगत है वो अनित्य है, अशाश्वत है, इसका बार बार अनुचिंतन अनेक प्रकार से करके हम इसका अनुभव करते हैं। अनुप्रेक्षा में अपने भावों की पुनरावृत्ति यानी कंटेम्पलेशन से अपने चित्त के सर्वोपरि होने का अनुचिंतन किया। अब अगला चरण जो विशेषकर आपके शारीरिक रोगों के निवारण के लिए विकसित किया गया है, अनित्य अनुप्रेक्षा। बिजली के तार से करंट निकल जाता है, सारे उपकरण बंद हो जाते हैं, वैसे ही जब मैं इस शरीर से निकल जाता हूँ, ये हृदय, मस्तिष्क, सारे अंग प्रत्यंग रहते हुए भी ये शरीर निष्प्राण हो जाता है। बहुत कठिन है उस व्यक्ति को भूलना जिसके प्रति आपके मन में क्रोध हो, गुस्सा हो, बैर हो, घृणा हो। उसे माफ कर देना आपके लिए आसान नहीं है, जिसने आपका अहित किया हो, आपका बुरा किया हो, किंतु एक बार करके तो देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा।
ऐसा लगेगा कि आपके शरीर की भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक नकारात्मकता पिघल पिघल कर आपके शरीर से बाहर आ रही है। अनित्य अनुप्रेक्षा से आप समभाव स्थित होकर अपने दुखों के प्रति जागृत चेतना का अनुभव करते हैं। अब प्रेक्षा ध्यान से वास्तविक जगत की ओर लौटेंगे। अगले अंक में ओम अर्हम। उदिता ऋजुता उदिता मृदुता उदिता तुष्टि उदित धर्म उदितो धर्मा मुदितं चित्तम् मुदितं चित्तम् मुदितं चित्तम्।